नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। पिछले क्लास में हमने बात की थी टेक्टोनिक फोर्स, और टेक्टोनिक फोर्स में हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात की थी, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल फोर्स में हमने देखा था कि किस तरीके से ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, और आज हम बात करेंगे कि उस हॉरिजॉन्टल फोर्स से किस तरीके से कंप्रेसिव फोर्स लगता है, और कंप्रेसिव फोर्स की वजह से कैसे फोल्ड माउंटेन बनते हैं, आज हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। आज हम फोल्ड माउंटेन की बात करेंगे। इस पे आने से पहले दो चीजें मैं बताना चाहूंगा आपको। एक होती है जब प्लेट मूवमेंट होता है, प्लेट की मूवमेंट होती है, तो ये तीन तरीके से होता है, ठीक है। एक मूवमेंट होता है जिसको कहते हैं कन्वर्जेंस, या कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं उसको, ठीक है। तो कन्वर्जेंस का मतलब होता है जब एक दूसरे की तरफ दो प्लेटें आती हैं। एक होता है डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है। और एक होता है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, ठीक है। इसमें दोनों प्लेटें क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब यहां देखिए, जो कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री होती है, जब प्लेट एक दूसरे की तरफ आती है, ठीक है, तो जब एक दूसरे की तरफ आती है तो ऐसे मान लीजिए ये बना हुआ है, प्लेन है, लैंड सरफेस, ठीक है। इधर से एक फोर्स लगेगी, इधर से एक फोर्स लगेगी, दोनों एक दूसरे को कंप्रेस करेगी, ठीक है। जब कंप्रेस करेगी तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन में क्या होगा, ये ऐसे होगा, उठेगा, ये ऐसे उठेगा इस तरीके से। यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स लगेगा, ठीक है, कंप्रेशन फोर्स लगेगा दोनों साइड से। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो प्लेन होगा यहाँ पे, ये इस तरीके से अपवर्ड ये थ्रस्ट होगा, ऊपर की तरफ ये थ्रस्ट होगा, ठीक है, ऐसे लगेगा। तो ये ऊपर की तरफ कंप्रेस करने की वजह से ये उठेगा, ठीक है। ये कन्वर्जेंट बाउंड्री में होती है, ठीक है। तो जो फोल्ड माउंटेन बनते हैं, ये सब इसी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब हम पर्टिकुलरली बात करेंगे फोल्ड माउंटेन के। तो फोल्ड माउंटेन के लिए क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री होनी चाहिए, यानी कि प्लेटें एक दूसरे की तरफ आनी चाहिए। जब ऐसा होगा तब क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा दोनों की तरफ से, ठीक है। तो अब जो प्लेट में इस तरीके से बनना शुरू होगा लैंडफॉर्म्स, ठीक, पर एक कब बनेगा, रॉक कैसा होगा, रॉक यहां पर सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर हार्ड रॉक होगा तो हार्ड रॉक को हम कंप्रेस करेंगे तो हार्ड रॉक टूट जाता है, उसमें क्रैक हो जाता है, ठीक है, तो वो इस तरीके से नहीं फॉर्म हो पाएगा। इसलिए रॉक का जरूरी है कि वो सॉफ्ट होना चाहिए।
तो रॉक सॉफ्ट होने के लिए जरूरी है कि वो क्या होगा, मैरिन ओरिजिन का होगा। मैरिन ओरिजिन का जो रॉक होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो इस सॉफ्ट रॉक पे जब कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। तो रॉक कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, यानी कि वो मैरिन ओरिजिन का होना चाहिए, तब इसमें कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, तो इसकी वजह से इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। जब इस तरीके की स्ट्रक्चर बनता है, इसमें जो ये वाली पोर्शन होती है इसको कहते हैं साइनक्लाइन, ठीक है। साइनक्लाइन से क्या बनता है, वैली। पर ये जो थ्रस्ट पार्ट होता है, ऊपर उठा हुआ ये पार्ट होता है, इसको कहते हैं एंटीक्लाइन, ठीक है। एंटीक्लाइन से क्या बनता है, माउंटेन्स, ठीक है। यहां तक हो गया। तो किस तरीके से फोल्ड माउंटेन बनता है, ये एक सिंपल से इसका ओवरव्यू है, किस तरीके से फोल्ड माउंटेन बनता है, ठीक है। अब जिसमें कंप्रेशन फोर्स लगता है उसकी वजह से जो फोल्ड्स होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लगा, इस कंप्रेसिव फोर्स की वजह से, ठीक है, जो फोल्ड्स होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, ठीक है। टाइप्स की बात करेंगे हम, फोल्ड की टाइप्स की बात करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स की वजह से कितने टाइप्स के फोल्ड्स बनते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी मिटा दूं, मैं डायग्राम बनाऊंगा, जो फोल्ड्स बनते हैं कई तरीके के, टाइप्स ऑफ फोल्ड्स, ठीक है। अब उसको देखिए, ये एक फोल्ड हुआ, ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल, इसको कहते हैं सेमेट्रिकल फोल्ड, ठीक है। सेमेट्रिकल फोल्ड में क्या होता है कि ये फोल्ड की दो साइड्स हैं, ठीक है, एक ये साइड और एक ये साइड। इस फोल्ड की जो दो साइड है ये दोनों साइड इक्वल होंगी, यानी दोनों साइड्स का लेंथ इक्वल होगा, ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, ठीक है। और साथ ही साथ दोनों साइड का जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगी। सिमेट्रिकल फोल्ड में क्या होता है कि जो फोल्डिंग होती है, जो फोल्ड होते हैं उसके दोनों साइड के लेंथ इक्वल होते हैं, यानी कि इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों के इक्वल होगा। साथ ही साथ जो स्लोप होते हैं इन दोनों साइड्स के वो भी इक्वल होते हैं, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल फोल्ड, ठीक है। अब एक होता है एसिमेट्रिकल फोल्ड। मान लीजिए ऐसे कोई है, ठीक है, ये है एसिमेट्रिकल फोल्ड, सेमेट्रिकल फोल्ड में क्या होता है कि ये जो साइड होती है इसके इक्वल नहीं होती है और ना ही ये एंगल जो होता है इसके इक्वल होता है, ये दोनों अलग अलग होती है, ठीक है। यानी कि दोनों साइड्स अनइक्वल होंगे, साथ ही साथ इन दोनों का स्लोप जो होगा वो भी अनइक्वल होगा, तो इसको कहते हैं सेमेट्रिकल फोल्ड, ठीक है। अब एक बनती है स्ट्रक्चर ऐसे, ऐसे बन गई, इसको कहते हैं मोनोक्लिनर फोल्ड, मोनोक्लिनर फोल्ड। इसमें क्या होती है कि इस फोल्ड की एक साइड हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। एक साइड जो फोल्ड है उसका एक साइड हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर होता है, तो इस तरीके की फोल्ड को कहते हैं मोनोक्लिनल फोल्ड, ठीक है। इस तरीके की फोल्ड जो होती है वो कहलाती है मोनोक्लिनल फोल्ड। ये तीन तरीके हो गए, एक और देखते हैं इसके बाद। इसके बाद
इस तरीके की फोल्ड होती है, इसको कहते हैं आइसो क्लीनल फोल्ड, आइसो क्लीनल फोल्ड। इसमें क्या होती है कि ये दोनों साइड जो होती है ये एक दूसरे के पैरेलल होती है, यानी कि ये साइड और ये साइड ये एक दूसरे के पैरेलल होती है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती, ठीक है। जब जिस फोल्ड की दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती है लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती है, इस तरीके के फोल्ड को कहते हैं आइसोक्लिनल फोल्ड, ठीक है। एक फोल्डिंग होती है जो इस तरीके से होती है, इसको कहते हैं रिकम्बेंट फोल्ड। रिकम्बेंट फोल्ड में क्या होता है, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के भी पैरेलल होती हैं। दोनों में फर्क क्या था, इसमें एक दूसरे के पैरेलल थी लेकिन ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल नहीं थी। इसमें क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती है, साथ ही साथ ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस के भी पैरेलल होती है, इनको कहते हैं रिकम्बेंट फोल्ड, ठीक है। ये बार बार गलत हो जा रहा है, रिकम्बेंट फोल्ड, ठीक है। तो ये पांच तरीके को, पहले यहाँ पे दो था, ये तीन, ये चार और ये पांच तरीके की फोल्ड टाइप्स हो गई डिपेंडिंग ऑन द फोर्स ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। देखिए मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ठीक है, यहां पे एक फोर्स लगेगा, यहां से एक फोर्स लग रहा है F1 और इधर से एक फोर्स लगा F2, कंप्रेसिव फोर्स है दोनों, ठीक है, दोनों कंप्रेसिव फोर्स है। अगर मान लीजिए F1 फोर्स इज ग्रेटर देन F2, ठीक है, F1 फोर्स जो ऊपर लग रहा है और F2 फोर्स जो नीचे लग रहा है, इफ F1 फोर्स F2 से ज्यादा हो तो ये क्या करेगा कि ऊपर वाले ब्लॉक को डिस्प्लेस करेगा ऐसे, ठीक है, यानी कि इस तरीके से बनेगा, नीचे वाला तो वहीं पे रह जाएगा या फिर इसका कम डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन इस साइड पे डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, लेकिन F2 क्या करेगा, ऊपर वाले ब्लॉक को डिस्प्लेस करके दूर ले जाएगा ऐसे, इस पे F1 लगा था और इस पे F2 लगा था, ठीक है। F1 यदि ज्यादा हो F2 से तो ये यहां से क्या करेगा, ऊपर वाले ब्लॉक को इधर डिस्प्लेस करके ले जाएगा और F2 इसको इधर डिस्प्लेस करके ले जाएगा, और ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगा क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है F1 की, ठीक है। तो इस तरीके से जो ब्लॉक डिस्प्लेस होके जाते हैं, तो जो ब्लॉक डिस्प्लेस हो जाता है इस ब्लॉक को कहते हैं नैपी, ठीक है, इस ब्लॉक को कहते हैं नैपी, जो डिस्प्लेस होके ब्लॉक जाता है इस तरीके से उसको नैपी कहते हैं, और जिस प्लेन पर ये डिस्प्लेसमेंट होता है इस प्लेन को, यानी कि इस प्लेन पर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस प्लेन को कहते हैं रिवर्स फॉल्डिंग प्लेन, ठीक है। जिस प्लेन पर इन दोनों ब्लॉक्स के डिस्प्लेसमेंट होते हैं इस प्लेन को कहते हैं रिवर्स फॉल्टिंग प्लेन, और जो ब्लॉक डिस्प्लेस होकर दूर चला जाता है इसको कहते हैं नैपी। इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको मिलता है मिडल हिमालया में, मिडल हिमालया में नैपी टाइप की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज हुई रिवर्स फॉल्ट और नैपी, इस तरीके से बनता है जिसमें ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होता है नीचे वाले फोर्स में। अब एक और कंडीशन मान लेते हैं जिसमें अब मान लीजिए इधर से एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहां से एक फोर्स लगेगा, मान लीजिए ये F1, दिस इज F2,
इफ F2 इज ग्रेटर देन F1, ठीक है, ये नीचे का ब्लॉक है, ये ऊपर का ब्लॉक है, ये ऊपर वाले पे F1 इस साइड से लग रहा है और नीचे वाले पे F2 इस साइड से लग रहा है। यदि F2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो F1 से, ठीक है, F1 ज्यादा है F2 से, तो क्या होगा कि नीचे वाला ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, ठीक है, और ऊपर वाले का कम होगा। तो क्या होगा, ये समझ लीजिए ऊपर वाला ब्लॉक, ठीक है, ये ऊपर वाला ब्लॉक जिस पे F1 फोर्स लग रहा था, ये वाला, अब नीचे वाला डिस्प्लेस होके कैसे जाएगा इस पे, नीचे वाला डिस्प्लेस कर होके ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, जिस पे F2 लग रहा था, ये नीचे वाला ये ऐसे डिस्प्लेस होगा, ये ऐसे डिस्प्लेस होके ये इसके ऊपर आ जाएगा। ये इधर क्यों नहीं जाएगा, इधर इसलिए नहीं जाएगा कि इधर भी तो कोई लैंडफॉर्म्स है, तो नीचे वाला जाएगा कहाँ, अगर ऊपर रहता तो ऊपर ज्यादा डिस्प्लेस हो जाता, लेकिन नीचे भी लैंडफॉर्म्स है, रिजिड बॉडी है, इधर रिजिड रॉक्स है, तो फिर ये इधर कहाँ डिस्प्लेस होके जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं, तो ये क्या करेगा, यहीं पे ओवरटर्न हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा और यहीं पे ये ओवरटर्न हो जाएगा, जैसे ये हो गया, ठीक है, ओवरटर्न हो गया। तो इस तरीके की जो फोल्डिंग होती है इसको कहते हैं ओवरटर्न फोल्डिंग या ओवरटर्न फोल्ड। इस तरीके की जो फोल्डिंग होती है उसको कहते हैं ओवरटर्न फोल्ड, ठीक है। तो ये हो गया किस तरीके से फोल्डिंग प्रोसेस होता है कंप्रेसिव फोर्स की वजह से, ये हो गया। तो हमने देखा किस तरीके से फोल्ड माउंटेन बनता है और कंप्रेसिव फोर्स की वजह से किस किस तरीके की फोल्डिंग होती है वो भी देखा, ठीक है, और किस किस तरीके के फोल्ड बनते हैं। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखिए पहली चीज तो फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, किस तरीके के रॉक से बनते हैं, सॉफ्ट रॉक से बनते हैं। तो सॉफ्ट रॉक कहाँ मिलेगा, ये मैरिन ओरिजिन, यानी कि मैरिन ओरिजिन के जो सॉफ्ट रॉक्स होते हैं इससे क्या बनता है, फोल्ड माउंटेन बनता है। कौन सा फोर्स इसमें लगता है, कंप्रेसिव फोर्स लगता है इसमें, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स लगता है। कौन सी बाउंड्री, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, ठीक है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। और फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं, ठीक है, ये हो गया, फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब ये हुआ नॉट फाउंड रैंडमली, ठीक है, ये रैंडमली कहीं भी पाए नहीं जाते। ऐसा नहीं कि ये होता है कि कोई माउंटेन यहाँ पे मिल रहा है, कोई यूरोप में मिल रहा है, कोई रशिया में मिल रहा है, कोई इंडिया में मिल रहा है, कोई साउथ ईस्ट एशिया में मिल रहा है। तो अगर फोल्ड माउंटेन कहीं पे मिलता है तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है वहां पे मिलने का। ऐसा नहीं कि वो एवी मिल जाता है और रैंडमली वो मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं हम कि ये यूनिक होता है, ठीक है, और ये एक्सटेंसिव होता है, यानी कि बहुत ज्यादा इसका आपको स्प्रेड देखने को मिलेगा। एक्सटेंसिव होता है, पैरेलल रेंजेस में होता है, जैसे हिमालयन, ठीक है, हिमालय का है क्या है, पैरेलल रेंज है, हिमालयन माउंटेन एक पैरेलल रेंज है, ठीक है, एक्सटेंसिव होता है और पैरेलल रेंज में होता है और ये यूनिक होता है, ठीक है। अब देखिए फोल्ड माउंटेन का डेवलपमेंट फोर फेज में हुआ है, ठीक है, फोल्ड माउंटेन का डेवलपमेंट चार फेज में हुआ है। किस तरीके से हुआ है, फोर फेसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फोल्ड माउंटेन, ये चार फेज में हुआ है। पहला फेज
आर्कियन टाइम, ठीक है। दूसरा फेज सिलूरियन एंड डिवोनियन टाइम, ठीक है। तीसरा फेज कार्बोनिफेरस एंड परमियन, परमियन टाइम। चौथा फेज टर्शियरी टाइम, ठीक है, इसको टर्शियरी अल्पाइन भी कहते हैं, टर्शियरी अल्पाइन टाइम। ये चार फेजेस में डेवलपमेंट हुआ है। आर्कियन टाइम में जो आर्कियन टाइम कभी होता है, आर्कियन टाइम ये होता है अप्रोक्स, आप समझ लीजिए 2.5 बिलियन ईयर का जो टाइम था, ये आर्कियन टाइम में होता है, ठीक है। ये सब जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, आर्कियन, सिलोरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन एंड टर्शियरी, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जिसको मैंने पर्टिकुलर एक लेक्चर में इसको बताया हुआ है, मैंने उसके टाइम के साथ मैंने बताया हुआ कि कौन से टाइम पे कौन सा फेस आता है, ठीक है। तो आप जाके देख लीजिएगा वो वाली, और बाकी इसमें जब बात करेंगे कि आर्कियन टाइम में जो फोल्ड माउंटेन्स बने हुए हैं, इनमें मेनली नाम आता है, इंडिया में नाम आता है आपको अरावली माउंटेन और ईस्टर्न घाट, ठीक है। ये दोनों माउंटेन ये आर्कियन टाइम में बने हुए हैं, ये काफी पुराने हैं, ठीक है। सिलूरियन डिवोनियन, इस टाइम पे जो माउंटेन बना हुआ है इसको कहते हैं कैलिडोनियन, कैलिडोनियन माउंटेन, ठीक है। जैसे जुलेन, जुलेन माउंटेन, ये कहाँ है, जुलेन माउंटेन ऑफ नॉर्वे एंड स्वीडन, ठीक है। तो सिलूरियन और डिवोनियन टाइम में जो माउंटेन बने हैं उसको कहते हैं कैलिडोनियन माउंटेन, इसका एक एग्जांपल है जोलेन माउंटेन ऑफ नॉर्वे एंड स्वीडन, ठीक है। कार्बोनिफेरस और परमियन टाइम में जो माउंटेन बने हुए हैं उनको कहते हैं हर्शिनियन माउंटेन, ठीक है। हर्शिनियन माउंटेन को एक और नाम से जाना जाता है, वेरी स्कैन, वेरी स्कैन इन ब्रिटेन, ठीक है। जो कार्बोनिफरस और परमियन टाइम बने उसको हरिस्केन माउंटेन कहते हैं, और हरी सॉरी हरी हर्शिनियन माउंटेन कहते हैं, और हर्शिनियन माउंटेन को ब्रिटेन में कहा जाता है वेरी स्कैन, ठीक है। इसके एग्जांपल्स कुछ हो जाएंगे, जैसे पैनियन माउंटेन ब्रिटेन में ही है, अप्लेशियन माउंटेन इन यूएस है, ठीक है। तो ये आपको हर्शिनियन माउंटेन होते हैं जो कि कार्बोनिफेरस और परमियन टाइम में ये बने हुए हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम टर्शरी अल्पाइन टाइम की, तो ये सबसे बाद में बना हुआ है। सबसे बाद में बनने का मतलब इस समय के जो माउंटेन होते हैं वो क्या होते हैं, यंगेस्ट, यंगेस्ट माउंटेन है, बहुत जल्दी अभी बने हुए हैं, ठीक है। लिस्ट इरोडेड है, लिस्ट इरोडेड मतलब कि इनका इरोजन अभी बहुत कम हुआ है, ठीक है, इसलिए ये वेरी हाई माउंटेन्स
आपको मिलेंगे, ठीक है। यंगेस्ट है क्योंकि बहुत बाद में बने हुए हैं, बाद में बनने की वजह से इनका इरोजन बहुत कम हुआ है, ठीक है, और इसलिए इरोजन कम हुआ है इसलिए काफी हाई है और एक्सटेंसिव होता ही है, ठीक है। इसको मिटा दूंगा। तो इस तरीके की टर्शरी टाइम में जो बने हुए हैं इसमें आती है, आते हैं जैसे हिमालयन, ठीक है, हिमालयन माउंटेन सीरीज, इसको मिटा दूं मैं। ठीक है, इसके बाद आता है रॉकी। रॉकी कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। फिर आता है एंडीज, ये कहाँ पे है? साउथ अमेरिका, ठीक है, एंडीज साउथ अमेरिका में है। फिर आल्प्स, आल्प्स इन यूरोप, ठीक है। तो ये माउंटेन्स जो है ये टर्शरी अल्पाइन टाइम में बने हुए हैं और ये सबसे यंगेस्ट माउंटेन है, लिस्ट इरोडेड माउंटेन है और काफी एक्सटेंसिव है, यानी काफी बड़े रीजन में ये फैले हुए हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे एक बड़ा नाम आता है जिसको कहते हैं ट्रांस हिमालयन माउंटेन, ठीक है, ट्रांस हिमालयन माउंटेन, ठीक है। इसमें आता है आपको आल्प्स, आल्प्स कहाँ पे है? यूरोप, आल्प्स से लेके हिमालयन माउंटेन कहाँ तक? जो कि साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ है, ठीक है। हिमालय माउंटेन कहाँ तक फैला हुआ है? सिर्फ इंडिया में नहीं, हिमालय माउंटेन आपको म्यांमार में भी देखने को मिलेगा। हिमालयन माउंटेन का एक्सटेंशन जो है वो म्यांमार में है, में भी है, यानी कि यूरोप में आल्प से स्टार्ट होके, आल्प्स यूरोप में आल्प से स्टार्ट लेके आल्प्स है, फिर यूराल से होते हुए आप इंडिया में हिमालयन से होते हुए म्यांमार तक चले जाइए, ये पूरा एक एक्सटेंसिव, एक सिंगल माउंटेन सीरीज है जिसको कहते हैं ट्रांस हिमालयन माउंटेन सीरीज, जो कब बना? टर्शियरी और अल्पाइन टाइम में बना, एक काफी एक्सटेंसिव लिस्ट इरोडेड यंग फोल्ड माउंटेन होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से फोर फेज में माउंटेन, जो फोल्ड माउंटेन है इनका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। अब बाकी जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है मैंने पहले पढ़ाया है, आप जाके देख लीजिएगा, उसमें टाइम के साथ आपको हर चीजें मिलेंगी कि किस टाइम में किस तरीके से डेवलपमेंट या फिर इवोल्यूशन हुआ है अर्थ का, साथ ही साथ कुछ लाइफ फॉर्म्स का भी इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। अब आगे की सीरीज में हम कुछ इस्कार्पमेंट्स की बात करेंगे, फिलहाल आज फुल माउंटेन खत्म हुआ, इतना ही था, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं, दिस इज इनफ, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके, थैंक यू।